हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अल्फा एस अकेडमी की डिज़ास्टर मैनेजमेंट सीरीज़ में। और आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर 6 पर। दो और लेक्चर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर 7 थोड़ा सा बड़ा होगा, लेक्चर 8 थोड़ा सा शॉर्ट होगा। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना मैन मेड डिज़ास्टर्स ही। और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल, क्राउड, फायर, रेल, रोड, एयर, लैंड डिग्रेडेशन, इस टाइप्स के डिज़ास्टर को हम लोग आज कवर अप करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस और सीरीज़ के पूरे नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और हमारी साइट पे भी अवेलेबल है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब करें। तो लेट्स बिगिन फॉर द डे। तो फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट दी बायोलॉजिकल डिज़ास्टर पढ़ेंगे आज, ठीक है। अब बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? जहाँ पे भी ओरिजिन जो होगा वेक्टर का वो बायोलॉजिकल होगा या ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। जीवित चीज़ से जो चीज़ फैलेगी उसको हम बायोलॉजिकल बोलते हैं। जहाँ पे जिसमें जान है या जो ऑर्गेनिक ओरिजिन का है या ऑर्गेनिक नेचर का है, जो चीज़ उससे पैदा होगी उसको हम लोग बायोलॉजिकल बोलते हैं। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर कब होगा? जब ऐसी चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हुए किया जाए जो कि हमारे इन्वायरमेंट या फिर ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करे, ठीक है। दस अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स आर पॉजिटिव ऑफ प्रोसेस और फिनोमिनन ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन और कन्वेड बाय बायोलॉजिकल वैक्टर्स, है ना। आपने मान लिया एक ऐसा मॉस्किटो ऑल्टर कर दिया, मॉस्किटो का जीन ऑल्टर कर दिया कि वो जो है किसी भी वायरस को, डेडली वायरस को फैलाने में सक्षम है, तो आप बायोलॉजिकल वेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे। इसलिए आने वाले टाइम पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी आपको देखने को मिल सकता है। और बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है एक इम्पॉर्टेंट वेपन बन जाएगा स्टेट के हाथ में या नॉर्मल आदमी के हाथ में, ठीक है। मान लिया आप एक इमरजेंसी सिचुएशन करो, चलो कोविड तो देखो वैसे नॉर्मली आया, नॉर्मली जनरेट हो गया, ठीक है। कोरोना वायरस जो था, ऐसा ही वायरस अगर हम ह्यूमन मेड बनाएं और उसको कहीं छोड़ दें तो सोचो द काइंड ऑफ हैवक इट कैन रैक ऑन द पॉपुलेशन एट लार्ज ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। तो बायोलॉजिकल वेपन्स आर द मोस्ट डेडली वेपन्स, ठीक है। दस दे मे कॉज सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। तो इन्वायरमेंटल जो डैमेज है वो भी हो सकता है उससे। जैसे अभी हमने क्या देखा कि कोरोना वायरस था, वो टाइगर्स एनिमल्स को भी अफेक्ट कर रहा था, है ना। अब किसी की डेथ तो नहीं हुई फॉर्चुनेटली, बट इट वॉज अफेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ एट लार्ज ऑल्सो। देन बायोलॉजिकल डिजास्टर्स मे बी इन द फॉर्म एपिडेमिक हो सकता है, पेंडेमिक हो सकता है। देखो एपिडेमिक जो है, एपिडेमिक के बाद पेंडेमिक बनता है। तो जब तक तो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को या इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर रहा है कोई भी चीज़, जैसे इंडिविजुअल्स मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को, रीजन को, जैसे एग्जांपल से कॉलरा, प्लेग, जैपनीज एंसेफलाइटिस, एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम AES जिसको बोलते हैं, तो ये सब क्या है? एपिडेमिक के एग्जांपल्स हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में है। जैसे मर्स था, ठीक है, वो क्या था? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो था वो क्या था? एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेटेड था, बट उसके कारण क्या हो रहा था? एक लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट होती थी, तो वो क्या हो गया? एपिडेमिक। अब जब एपिडेमिक पूरे वर्ल्ड को और ज़्यादातर और ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करेगा तो वो पैंडेमिक बन जाएगा। जैसे COVID-19 क्या था? पैंडेमिक था। स्वाइन फ्लू क्या है? पैंडेमिक है, ठीक है। जब वो लार्ज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट फैल जाएगा तो वो पैंडेमिक बन जाएगा, ठीक है। कॉजेज क्या है? देखो कॉजेज क्या है, सबसे जो बड़ा कॉज है वो है पुअर सैनिटरी कंडीशंस। वहाँ पे जो है, जब पुअर सैनिटरी कंडीशन होती है, दैट विल लीड टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड दैट विल लीड टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ डिजीज वेक्टर्स। देखो किसी भी वायरस को एक से दूसरे और जाने के लिए वेक्टर्स की ज़रूरत होती है, या किसी भी डिजीज़ को जाने के लिए वेक्टर की ज़रूरत होती है। अब अगर आपको डेंगू होना है, डेंगू के लिए आपको एडीज मॉस्किटो की ज़रूरत है। वो जो है गंदे पानी या पानी कहीं खड़ा होगा वहाँ पे वो जन्म लेंगे, ठीक है। तो डेंगू के लिए एडीज क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया। तो अगर वो वेक्टर ही जमा नहीं होंगे तो कंटेमिनेट जो वायरस है वो फैलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साफ़ सफाई रखने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि जब मानसून स्टार्ट होता है या जब वर्षा का समय होता है या पानी बरस रहा होता है तो कहीं भी पानी खड़ा ना होने दे, है ना। आप अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहते होंगे या दिल्ली में रहते होंगे, देखा होगा आपने एक वो आपकी गली में से नीचे से वो धुआं फेंकते हुए जाते होंगे, तो वो क्या है? वो किल करता है मॉस्किटोज़ को। देन सीजनल चेंज की वजह से, जो मैंने आपको बताया, मानसून जब आ जाता है तो ब्रीडिंग बढ़ जाती है इंसेक्ट्स की, ठीक है। देन वैक्टर्स
कई बार क्या होता है कि देखो, मैं एक पॉपुलेशन, एक एक्स पॉपुलेशन है जो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यून है, वहाँ वो चलता रहता है, वहाँ नॉर्मल है। लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति आ गया, उसके लिए वो बड़ी दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। जैसे मान लिया अमेरिकन्स हैं, वो बॉयल्ड फूड खाते हैं, या जो वेस्टर्न कंट्रीज, वो बॉयल्ड फूड खाते हैं। जब वो लोग इंडिया आते हैं तो हमारे यहाँ मिर्च मसाले का प्रयोग होता है, तो उन लोगों क्या है, उनका जो बॉडी का सिस्टम है वो उन मसालों को लेने के लिए बना नहीं है। हम लोगों को तो, हम क्या है, हम तो मसाले खाने के लिए नॉर्मल है, हमारी बॉडी अडेप्टेबल है, अडेप्ट हो चुकी है, लेकिन उनकी बॉडी नहीं। ऐसे अगर आप पहाड़ चढ़ने जाएँ तो जो पहाड़ पर व्यक्ति रह रहे हैं तो उनकी सांस ज़्यादा नहीं फूलती, लेकिन अगर आप सीधा लद्दाख चले जाएँ तो फिर देखना आपकी सांस कैसे ऊपर नीचे होती है। तो दैट इज़ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ पर्टिकुलर डिजीज़। मतलब वो तो अलग एग्जाम्पल्स थे, बट जो डिजीज़ अगर किसी जगह का नेटिव है और अगर बॉडी आपकी उसके लिए, उसको टैकल करने के लिए बनी नहीं है, तो एडवर्स रिएक्शंस हो जाएंगे, आपकी बॉडी पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। दस एक्सपोजर ऑफ ए नॉन इम्यून पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉज ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। देन व्हाट आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिडेमिक्स इन इंडिया? अब इंडिया में जो है बहुत सारे एपिडेमिक्स होते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। और क्योंकि खुले, जैसे खुले में शौच करना जो था, इसलिए खुले में शौच करना बंद कराया गया, क्योंकि वहाँ से जो था, वहाँ से भी बहुत सारी डायरिया जो था वो वहीं से फैलता था, ठीक है। और जिससे बहुत जो नवजात शिशु थे या जो शिशु एक साल के अंडर थे, जनरल न्यू बॉर्नस एंड चिल्ड्रन हु वर वेरी यंग ऑफ या वेरी यंग एज अंडर द एज ऑफ 5, दे डाइड ड्यू टू डायरिया, है ना। एंड दैट वॉज ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर। एंड देर आर अदर एग्जाम्पल लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए बी, इसके इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। तो ये मेजर एपिडेमिक्स हैं इंडिया में। हल्के हल्के एक टाइम में पोलियो भी हमारा एक एपिडेमिक था, लेकिन अब पोलियो को हम लोगों ने विद कांस्टेंट हमारे प्रयासों से और कांस्टेंट इम्यूनाइजेशन से, पोलियो ड्रॉप से, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। देन वैक्टर बॉर्न होते हैं, ठीक है, एपिडेमिक्स लाइक डेंगू फीवर, चिकनगुनिया फीवर, जैपनीज एंसेफलाइटिस, मलेरिया, काला अजहर आर कॉज बाय वैक्टर्स। मतलब वैक्टर जैसे मॉस्किटोज हो गए, मॉस्किटोज क्या हो गए, एक टाइप का वैक्टर हो गए, ठीक है। और उसका क्या रीज़न है, प्रॉपर सैनिटरी कंडीशन नहीं होंगी तो इट विल लीड टू इम्प्रॉपर कंडीशंस, प्रॉपर कंडीशंस बन जाएंगी उस वेक्टर के पैदा होने के लिए, और वो वेक्टर फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। देन यू नो देर आर एयरबॉर्न डिजीजेज लाइक इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, है ना। इसलिए बोलते हैं आप छींके तो अपने मुँह पर हाथ रख लें या रुमाल रखें, क्योंकि जो ड्रॉप्स हैं उसमें भी वायरस कैरी कर सकता है। तो इन्फ्लुएंजा, मीजल्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन COVID-19 तो अभी हमारे पास सबसे बड़ा है ही है, दो की ये बायोलॉजिकल कोई डिजास्टर नहीं था, बट इट वाज अ, मतलब क्योंकि ये इंटेंशनली नहीं किया गया था, बट ये एक टाइप से जो है इसने कितना इफेक्ट कर दिया। तो अगर हम इससे आइडिया रखते हैं, अगर बाई चांस कोई बायोलॉजिकल डिजास्टर हो जाता है आने वाले टाइम पे, तो किस प्रकार से ह्यूमन पॉपुलेशन अफेक्ट होंगे। इनफैक्ट COVID-19 ने हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है, उसको दिखाया कि कितना वो वीक है अंदर से, ठीक है। हेल्थ केयर वर्कर्स की कितनी शॉर्टेज है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ट्रेन एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है, है ना। अगर आप किसी आज आप घर में जाकर पापा को बोलोगे पापा मुझे एपिडेमियोलॉजिस्ट बनना है, तो पापा बोलेंगे यार क्यों मजाक कर रहा है भाई, क्या होता है ये, ठीक है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। हमें डॉक्टर्स ही नहीं चाहिए, हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट भी चाहिए, हमें कार्डियोलॉजिस्ट भी चाहिए, हमें गायनेकोलॉजिस्ट भी चाहिए, हमें आपका नेफ्रोलॉजिस्ट भी चाहिए, है ना। हर टाइप का बंदा चाहिए आपको, तभी आप एक अच्छा देश, एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। देन देर इज़ अ स्कैर्सिटी ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, देन देवर पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन स्पेशली इन रूरल एरियाज़। अब जो शहर है उसमें तो फिर भी आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल मिल जाएंगे, लेकिन रूरल एरियाज़ की स्थिति अभी भी काफ़ी ख़राब है। देन देर इज़ इनसफिशियंट डिजीज रिपोर्टिंग एंड सर्वेलेंस इन मोस्ट स्टेट, है ना। सर्वेलेंस ही नहीं हो पा रही थी, रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, डिस्प्यूटेड COVID-19 में आपने देखा कितना डिस्प्यूटेड थे कि नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाई द कोविड। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी फेस नाउ। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है कि इस प्रॉब्लम को पूरा एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि हाँ, अगर हम अभी 60 पे हैं तो 99% तक हम उसको कवर कर सकते हैं, वो 1% 2% तो हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो आपको जो है प्रैक्टिकल भी रहना अपने अप्रोच में, आप स्ट्राइव करें 100% के लिए, तो आप 99% तो अचीव कर ही लेंगे। देन मैनेजमेंट मेजर्स क्या ले सकते हैं, पहले तो आप अपना जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे स्ट्रेंथन करें, आप वैक्सीनेशन लाएँ प्रॉपर, है ना। वैक्सीनेशन भी कोई मजाक बात नहीं, देखो आप जितनी जल्दी वैक्सीनेशन लाए गए, अभी जो थर्ड वेव आई COVID-19 को देखा कि पता निकल गई और पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि क्या है उसका बहुत बड़ा कारण क्या बोला गया, क्योंकि लोग ऑलरेडी वैक्सीन इम्यूनाइज हैं या ऑलरेडी वैक्सीन उन्हें मिल चुकी है, जिससे कि उनके अंदर एक स्ट्रांग इम्यूनिटी बन चुकी है, जो कि उन्हें
हेल्प कर रही है किसी भी और वेव से फाइट करने के लिए। तो वैक्सीनेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसलिए इंद्रधनुष प्रोग्राम चलाया गया जिसमें कि 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन दी जाती हैं बच्चों को फॉर एकदम फ्री, है ना। एंड WHO से वो वैक्सीन्स आती हैं, इंडियन गवर्नमेंट लेती है, एंड उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत फाइन क्वालिटी है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, कई लोग जो होते हैं प्राइवेट में ना जाके सरकारी में वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि वो इतने चेक्स एंड बैलेंसेस से आती है, क्योंकि उसका जो सैंपल स्पेस है जहाँ वो पहुँचनी है वैक्सीन, वो इतना बड़ा है कि गलती से भी कोई मिस्टेक हो गई तो वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करेगी, ठीक है। देन यू शुड स्ट्राइव फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटरी कंडीशंस, ठीक है। आप जो फ्यूमिगेशन करो, वो देखा आपने, एक हवा मतलब एक वो केमिकल लगा के छोड़ते हैं, ठीक है, धुआं छोड़ते हैं बहुत सारा, वो पूरे में फैलता है, तो आप उसको फ्यूमिगेशन बोलते हैं ना। फ्यूमिगेशन ऑफ वेक्टर साइट्स करें आप, है ना, जो डिस्पोजल है उसको प्रॉपर करें, म्यूनसिपल वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर करें। फिर आपके पास एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए कि हाँ एपिडेमिक आ गया तो आपको कैसे लड़ना है। अब दो की COVID-19 ने हमें और रोबस्ट बना दिया है, हमारे मैकेनिज्म्स को और रोबस्ट बना दिया कि आने वाले एपिडेमिक्स में हम इतनी प्रॉब्लम नहीं झेलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक ऐसी पॉपुलेशन में है या वर्ल्ड में एक ऐसी पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी एक पैंडेमिक से फाइट कर चुकी है, ठीक है। देन आपके पास एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, रेगुलर सर्वेलेंस होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ है। अभी क्या है कि मंकी पॉक्स केरला में फैल रहा है, तो वहाँ रोबस्ट सर्वेलेंस थी तभी तो पता लगा कि मंकी पॉक्स केरला में फैल रहा है, ठीक है। अब जब वो केरला में फैल रहा है तो उसको भाई आप यू कैन प्लेस दी प्लेस चेक्स, है ना, आप चेक्स प्लेस कर सकते हैं प्रॉपरली कि भाई वहाँ से जो आएगा उसका चेक होगा, उसका टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मंकी पॉक्स होगा उसको आप जो है जो जो उसके साथ में रहा है या जिससे वो मिला आप उसको ट्रैक करके उनको चेक कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा जो है, क्योंकि डिजीज़ कहीं एक जगह से स्टार्ट होता है फिर वो फैलते जाता है, अगर आप उसे रोके ना तो आप उसको रोक सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको सर्वेलेंस बहुत स्ट्रांग हो, रेगुलर हो, और आप उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर हो। फॉर दैट यू रिक्वायर अ इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम। फिर आपके पास लीगल फ्रेमवर्क प्रॉपर होना चाहिए। अब जो हमारे पास एपिडेमिक से लड़ने के लिए जो एक्ट है वो 1897 का है, दैट इज़ एपिडेमिक डिजीज एक्ट, है ना, कितना पुराना लॉ है। अब COVID-19 जैसी बीमारियाँ आ गई तो नई बीमारी नया लॉ, तभी तो आप फाइट कर पाओगे, ठीक है। उसमें यूनियन गवर्नमेंट को पावर होनी चाहिए कि वो कैसे फाइट कर सके किसी भी बायोलॉजिकल इमरजेंसी से। देन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होना चाहिए, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज़ अ लीडिंग कॉज फॉर बायोलॉजिकल यू नो बायोलॉजिकल इन्फ्रेंसेज या इंटरफ्रेंसेज विद द ह्यूमंस, ठीक है। देन देर शुड बी प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सीवेज पाइपलाइन, अवेयरनेस अबाउट पर्सनल हाइजीन, देन वैक्टर कंट्रोल करना है, फ्यूमिगेशन से कर सकते हैं आप इसको। देन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग वर्क एंड जेनेरिक इंटीग्रेटेड वैक्टर कंट्रोल मेजर्स अपना सकते हैं। देन एलिमिनेट कर सकते हैं ब्रीडिंग प्लेसेस को, रेगुलर स्प्रेइंग कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स की, बरियल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज, है ना, क्योंकि क्या होता है कि कई बार बहुत जो पैंडेमिक में जो बहुत जैसे इबोला था उसमें जो है बॉडीज़ को जो है क्योंकि जला नहीं पा रहे थे तो दबाया जाता, तो बरियल सबसे सेफ माना गया उस समय, ठीक है। देन अब आपके पास मैनेज कर लिया आपने, अब आप डिटेक्शन और कंटेनमेंट कैसे कर सकते हैं, आउटब्रेक हो गया आप कैसे उसे डिटेक्ट करें, कैसे कंटेन करें। तो पहले तो आप उसका रिकॉग्नाइज करें कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ चुकी है, उसे डायग्नोज करें, इट शुड बी डायग्नोज बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, है ना, और पता लग जाएगा लोगों को, जब डॉक्टर्स को पता होगा कि हाँ ऐसी बीमारी है, ठीक है यार मेरे यहाँ पर डॉट्स पड़ गए, ठीक है, तो उन्होंने देखा यार रेड से डॉट्स हैं, ऐसा नॉर्मली तो होता नहीं है, तो ये मतलब मंकी पॉक्स हो गया है मेरे को, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है कि हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को भी पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी कुछ बीमारी चल रही है, ठीक है। देन आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपर, सर्वेलेंस होना चाहिए प्रॉपर, मैंने आपको बता दिया। देन एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए कि भाई कोई बीमारी है वो किन किन लोगों को इफेक्ट कर रही है, जैसे मान लिया वो किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट कर रही हो क्या पता, या पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रही हो, या पर्टिकुलर जीन टाइप को ज़्यादा इफेक्ट कर रही हो, तो उसको वो कैसे पता लगेगा आपको, एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस से। देन देयर शुड बी डिलीवरी ऑफ एप्रोप्रिएट मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स, ठीक है, और बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी तो आपको रखनी है, जैसे आपका कोई भी जो ऐसा कोई अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्वायरमेंट के लिए खतरा है तो उसको जो है कंटेन किया जाता है, वो प्रॉपर उसका मैकेनिज्म है, ठीक है। तो बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आप इन्वेंट्री बनाएं कि कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस टॉक्सिन्स जो हैं ख़राब हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से आपको बताते हुए आ रहे हैं कि जब आप इन्वेंट्री बनाएंगे तो इन्वेंट्री में आपको क्या क्या बताना है कि कौन से वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं या टॉक्सिन्स हैं जो
इफेक्ट कर सकते हैं लोगों को, एनिमल्स को किस टाइप का इफेक्ट होगा, कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा वनरेबल है, वनरेबिलिटी मैपिंग करें, है ना, तो उससे आपको ज़्यादा बेटर डाटा आएगा, और जितना बेटर डाटा उतनी बेटर आपकी डिसीजन मेकिंग। देन WHO बड़ा हेल्प करता है इसमें ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में, वो दे हेल्प अस इन स्ट्रेंथनिंग नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, लेबोरेटरी टेक्निक्स आपको वो नई नई ला के देंगे, देन दे डिसेमिनेट, दे हेल्प इन डिसेमिनेटिंग वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज के टाइम पे तो सही इन्फॉर्मेशन मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, पता लग रहा गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई तो जो बोलते ना कि आग में घी वाला काम, गलत इन्फॉर्मेशन जो है आग में घी वाला काम करती है, और जो फेक न्यूज़ जिस हिसाब से चल रहा है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है WHO, ठीक है, हेल्प करता है कि जो डाटा कलेक्ट हुआ है उससे जो इन्फॉर्मेशन निकली है वो जल्दी जल्दी स्टेट्स तक, लोगों तक पहुँच सके, तो WHO इज़ डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। देन एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आपको कि कैसे कंटेनमेंट, कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प कर रही है। अब डेंगी या चिकनगुनिया जो है पर्टिकुलर एक एडीज मॉस्किटो होता है उससे होता है। ऑक्सीटेक एक कंपनी है यूनाइटेड किंगडम की, उन्होंने उस मॉस्किटो का जीन ऐसे ऑल्टर किया कि जब वो फीमेल के साथ मेट करते हैं तो जो उनकी फीमेल ऑफस्प्रिंग होती है वो मर जाती है, तो अगर फीमेल्स ऑफस्प्रिंग नहीं रहेंगी तो उस पॉपुलेशन को सस्टेन करना अपने आप को मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली उस मॉस्किटो की डिक्लाइन होती चली जाएगी, जिससे कि जो डेंगी है चिकनगुनिया है जो वो फैलाते थे वो कम हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन हेल्प अस इन कंटेनिंग दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट वी मे फेस इन द फ्यूचर, ठीक है, या दैट वी आर फेसिंग। तो दैट वाज अबाउट दी बायोलॉजिकल डिजास्टर। नाउ क्राउड डिजास्टर, क्राउड डिजास्टर वो डिजास्टर होते हैं जो भीड़ की वजह से होते हैं, जो मास क्राउडिंग की वजह से होते हैं, जैसे ट्रैफिक डिलेज, पॉल्यूशन, स्टैम्पीड, फाइट्स अमंग पीपल, रायट्स, ऑल्ट्रेशन इन लैंडस्केप, अल्टीमेटली बिकम सोर्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज एंड डिजास्टर। भाई दो गुटों के बीच में लड़ाई हो गई, आपने कहा कभी किसी का सिर फूटा हुआ रहता है, कभी किसी का कुछ रहता है, फिर स्टेट जो है रश, पुलिस वाले जो है एम्बुलेंस रश करते हैं वहाँ पे, लोगों को ले जाया जाता है, तो कभी कभार कोई किसी पे किसी ने गोली चला दी, लोगों की डेथ हो जाती है, तो क्राउड डिजास्टर भी एक टाइप डिजास्टर है। देन क्राउड मैनेजमेंट के लिए फिर अगर आप इंडियन पुलिस सर्विस में जाएंगे या हाँ इंडियन पुलिस सर्विस में पर्टिकुलर जाएंगे तो क्राउड मैनेजमेंट वहाँ अलग से पढ़ाया जाता है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर पुलिस, ठीक है। उसके लिए फिर NDMA ने गाइडलाइंस बनाई 2017 में, उन्होंने कहा जो फ्री मूवमेंट है आप उसको जरा चेक पे रखें, बैरिकेडिंग लगाएं, लोगों को बोलेंगे लाइन से, वो देखा आपने मंदिर के बाहर या कहीं भी बोलते हैं कि लोग लाइन से चलें, क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर इधर उधर क्योर्स चलेगा तो उतनी ज़्यादा चांसेस है कि बाई चांस अगर स्टैम्पेड हो जाता है तो उतनी ज़्यादा लोग मरेंगे। तो एल्फिस्टोन ब्रिज था मुंबई का, वहाँ पे देखा था आपने, छोटा सा ब्रिज है, आप जाकर देखेंगे छोटा सा ब्रिज है और कितने हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड देयर, ठीक है। देन रूट मैपिंग करें आप, जैसे कभी भी आप अगर रिपब्लिक डे की परेड देखने जाएंगे तो एंट्रीज प्रॉपर रूट मैपिंग होती है कि आप यहाँ से आएंगे, यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, यहाँ से आप पैदल जाएंगे और इस जगह से आप एग्जिट करेंगे, इस एनेक्सचर में बैठेंगे, अलग अलग एनेक्सचर जाने के लिए अलग अलग जगह होती, तो दैट इज़ नोन एज क्राउड मैनेजमेंट, ठीक है। देन मॉनिटरिंग करें आप लगातार CCTV से, अब आप ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाएं, ठीक है, मेडिकल सपोर्ट को जो है एकदम क्या बोलते हैं ऑन स्टैंड बाय रखें, अगर बाई चांस कोई अनहोनी हो जाती है तो एकदम मेडिकल शुड बी एबल टू रीच टू द पीपल इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू नो क्राउड मैनेजमेंट इज अ थिंग, एंड दैट एंड बाई क्राउड मैनेजमेंट एंड डूइंग थिंग्स, स्मॉल थिंग्स यू कैन कंट्रोल और यू नो स्टॉप क्राउड डिजास्टर। देन फायर डिजास्टर्स, देखो फायर जो है बड़ा, फॉरेस्ट फायर एक अलग था, फॉरेस्ट फायर नेचुरल डिजास्टर था, फॉरेस्ट ये वाला फायर डिजास्टर जो है हमारी गलती की वजह से होता है, कई बार आग लग जाती है घर में, झुग्गीज में, ठीक है, गोडाउंस में, फैक्ट्रीज में, ठीक है, सिनेमा हॉल्स में। देखो अगर आपको पिक्चर दिखाऊँ, ये उपहार सिनेमा हॉल है, इसमें लगभग मोर देन 50 पीपल डाइड, ये अभी पिछले साल अगर आपको याद हो, जो लोग ओडाइंदर नगर में रहते हैं या कभी दिल्ली गए हो, तो अगर आप मेट्रो से जाएंगे और जब आप करोलबाग स्टेशन से आप राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन की तरफ जाएंगे तो राइट में एक होटल अर्पित पैलेस देखता है, वो बंद है अब, और उसमें देखना कि आप ऊपर का पूरा जला हुआ है, 19 पीपल डाइड, है ना, क्योंकि क्या था कि जो इसका एग्जिट था एक वो लॉक था बाहर से, एंड ऑलमोस्ट 19 पीपल डाइड, कुछ लोग तो बालकनी से बाहर निकले और गिर गए, ठीक है। तो दिस आर वेरी सैड इंसिडेंट्स, है ना, और इसकी बहुत सारी एक प्रॉब्लम भी है कि भाई क्योंकि प्रॉपर सर्वेलेंस नहीं है,
बाई चांस फायर बुझाने का इक्विपमेंट होता नहीं है, तो लोगों को पता नहीं होता है कि उसको चलाना कैसे है, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फायर एग्जिट्स खुले नहीं होते हैं, फायर एग्जिट्स बंद होते हैं, पता नहीं क्यों बंद करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत जगह पे मैंने देखा है फायर एग्जिट्स बंद बंद होते हैं, ठीक है। और जो लोग होते हैं दे मेनली डाई ड्यू टू बर्न्स, या फिर सांस ली जाती है उनसे, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जब आग लगती है तो वो वेरियस गैस निकलती हैं जो कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कर देती हैं उस रूम में। तो आप ऑक्सीजन ले नहीं सकते, आप 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे अगर कहीं आग लग गई, ठीक है। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज एक एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया, जो NCERB की एक रिपोर्ट आती है, उसने पॉइंट आउट किया कि 2016 से 2020 के बीच में ऑलमोस्ट 35 पीपल डाइड एवरी डे इन लास्ट 5 ईयर्स ड्यू टू फायर एक्सीडेंट्स एट वेरियस प्लेसेस। इफेक्ट क्या है इसका, दिल्ली ने अकेले विटनेस्ड 10,350 फायर इंसिडेंट्स इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, क्लेमिंग लाइफ ऑफ 60 पीपल एंड इंजरिंग 395 अदर्स। ये बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, कंटेमिनेशन करता है एयर वाटर और सॉइल का, एनिमल्स पे इफेक्ट होता है, प्लांट्स पे होता है, सॉइल फर्टिलिटी जाती है, जहाँ आग लग जाती है वहाँ पे जो है सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट अफेक्ट्स पीपल एज वेल एज इन्वायरमेंट, ठीक है। देन वट इज आर द कॉजेज, एक तो जो सबसे पहले जो है फायर सेफ्टी ऑडिट जो होनी चाहिए, इसी में लूप होल्स हैं, इसी में जो है इसका ही प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्लियर प्रोविजन्स नहीं है लेजिस्लेशंस में, है ना। एंड इसको जो है स्ट्रॉन्ग, इसका जो फिर अगर आप इसको बचा कैसे सकते हैं, तो वही बात कहेंगे कि हम इसको फायर सेफ्टी ऑडिट को आप जो है स्ट्रॉन्ग करें। देन फायर सर्विस जो है स्टेट सब्जेक्ट है, और इसको शेड्यूल 12 में म्यूनिसिपल फंक्शन के अंदर डाला गया है। नाउ क्योंकि म्यूनिसिपल के पास इतना पैसा नहीं रहता, देर इज़ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स वाई एट टाइम्स इट इज़ सीन दैट द एबिलिटी टू फाइट विद एनी फायर इंसिडेंट्स इज़ वेरी लेस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। मान लिया वहाँ पे फायर स्टेशन नहीं होंगे, या लैक ऑफ फायर पर्सनल होंगे, या आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी कुछ, क्योंकि आजकल बिल्डिंग्स जो है नए तरीके से बन रही हैं, तो आपको जो है प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ड्रिल्स करनी पड़ती हैं कि आप कैसे बुझाएंगे, है ना। और हर फायर का अपना, अब कहीं ऑयल टैंकर में फायर लग गई तो उसको अलग तरीके से डील करना है, कहीं घर में आग लग गई तो उसको आपको अलग तरीके से डील करना है, कहीं फैक्ट्री में आग लग गई तो उसको आपको अलग तरीके से डील करना है, ठीक है। लेकिन फायर स्टेट सब्जेक्ट तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है। देन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, उनमें फायर इक्विपमेंट्स लगे भी होते हैं, आग बुझाने वाले लगे भी होते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। देन जो इक्विपमेंट्स हैं वो कई सालों तक लगे ही रहते हैं, उनका चेक नहीं होता है, वो पता लगा एंड टाइम पे क्या होता है कि जब आग लग गई तो पता लगा वो चल ही नहीं रहा, किसी का नॉब टूट जाता है, किसी का नॉब हिलता ही नहीं है, कोई किसी का पाइप निकल जाता है, तो ऐसी चीज़ें भी देखी गई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग हो, लोगों को पता हो इसको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आप स्कूल ट्रेनिंग्स दें, 12th के बच्चों को, 11th के बच्चों को पता होना चाहिए सब, ठीक है। देन ज़्यादातर जो फायर्स देखी गई हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से लगती हैं, घरों में जो आग लगती है वो ओवर हीटिंग ऑफ अप्लायंसेस से, या आपका स्विच बोर्ड या आपका कोई सॉकेट गर्म हो गया वहाँ से लगती है। तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इज ऑल्सो अ रीज़न फॉर फायर इन दी हाउसेज एंड इन फैक्ट्रीज और एनी काइंड ऑफ प्रीमाइसेस विच यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो आप जो है स्टैंडर्ड बनाएं, है ना, ISI मार्क्ड ही लें, अच्छी तारें लगाएं, मोटी तारें लगाएं, ओवर हीटिंग ना हो इसका ध्यान रखें, प्रॉपर जो हो लाइट जाए, तो इन सब का ध्यान रखेंगे तो आप जो है फायर डिजास्टर को जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। देन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट इन इंडिया की बात करें अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो हमने आपको बता दिया कि 243W जो कि आपका अर्बन लोकल बॉडीज से डील करता है, तो वहाँ पे फायर सेफ्टी को जो है वहाँ स्टेट सब्जेक्ट है, और इनफैक्ट ULB का एक सब्जेक्ट बना दिया गया, ताकि जो है ULB देख सके कि हाँ भाई किसी भी एरिया में फायर सेफ्टी कैसी है, अगर कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है तो क्या हम उससे लड़ने के लिए सक्षम हैं भी या नहीं। देन 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइन बनाई थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन ऑफ फायर सेफ्टी के लिए, एंड ये बोला कि आप एक फायर रिस्पांस प्लान हमेशा प्लेस में रखें। कोई भी बिल्डिंग है, मेरा घर है, मुझे भी पता होना चाहिए कि फायर, अगर मेरे घर में फायर लगती है तो मुझे कहाँ से बाहर निकलना है। जैसे अगर आप विमान में भी जाएंगे, एयरक्राफ्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे भी बताते हैं आपको कि बाई चांस फायर लग जाती है तो इधर एग्जिट हैं, आगे 2 एग्जिट हैं, पीछे 2 एग्जिट हैं, साइड वाले 2 एग्जिट हैं। तो ये क्या है, ये फायर रिस्पांस प्लान है, ठीक है, कि आपको जो है पहले से पता होना चाहिए कि बाई चांस
अगर आग लग जाती है जैसे मार्किंग सिनेमा हॉल है उसमें आपको आप सामने जो फायर जो एग्जिट होते हैं अगर जब लाइट बंद भी हो जाती है तो जो एग्जिट वाले बटन होते हैं लाल वाले वो जलते रहते हैं, क्योंकि अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो आप एकदम एग्जिट की तरफ भाग सकें और एकदम मार्किंग होती हैं, और मार्किंग ऐसी होनी चाहिए कि उनमें रेडियम मार्किंग होती हैं वो कि अगर बाई चांस अंधेरा भी हो जाए तो आप उसको देख सकें और टाइमली एग्जिट कर सकें किसी भी प्लेस को। देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया है इंडिया का, जिसमें कि बताया गया कि आप किस प्रकार कंस्ट्रक्शन करें, मेंटेनेंस कैसे करें, फायर सेफ्टी कैसे उस बिल्डिंग्स में रखें, ठीक है। दैन एक मॉडल बिल था टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस फॉर द स्टेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उन्होंने भी वही बात करी कि फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये मॉडल बिल कहीं के लिए बनाया जाता है कि भाई देखो क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो अच्छा नहीं लगता कि यूनियन इस पर लॉ बनाए, तो वो क्या करते हैं कि मॉडल बिल बना देते हैं कि ठीक है कि एक जो है यूनिफॉर्मिटी रहे अराउंड द स्टेट, कि मान लिया अगर मैं कहीं स्टेट से हूँ, मतलब मान लिया मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ तो अगर मैं गुजरात गया हुआ हूँ तो वहाँ पे भी मैं मतलब पैरिटी पाऊँ कि हाँ यार ये लॉ था उस टाइम मॉडल बिल में ये बोला गया था और मुझे ये करना है, तो इससे ईज रहती है। क्योंकि आज के टाइम पर लोग इतना आपस में घुल मिल गए हैं कि आइसोलेशन या सिलोज में हम लोग कोई भी प्लान नहीं बना सकते। देन अगर हम 5 बेस्ट प्रैक्टिस इंडिकेटर्स की बात करें तो पहले तो आपके पास प्लान होना चाहिए। कैसा प्लान होना चाहिए? फायर आपके पास फायर का प्लान फायर सेफ्टी का प्लान होना चाहिए, एक सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। आपको फिर फायर सेफ्टी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट और ऑपरेट भी करना है तो वो आपका डू में आ जाएगा, पर फिर आप उसकी परफॉर्मेंस और चेक करें टाइम टू टाइम, ठीक है। देन आप एक्ट कर सकते हैं अगर कुछ हो जाता है तो जो टॉप मैनेजमेंट है, मतलब मान लिया किसी फैक्ट्री प्रमाइसिस में आग लग गई तो जो टॉप मैनेजमेंट है तो वो इस टाइप कर सकते हैं कि कंटिन्यू इम्प्रूव किया जाए, हाँ भाई इस समय ये दिक्कत आई थी, ये वाला जो सॉकेट है बार बार जो है गर्म हो जा रहा था इस पर्टिकुलर मशीन में और आग लग जा रही थी, तो जो है आप उसको हटा सकते हैं, एक अच्छे क्वालिटी का आप लगा सकते हैं। तो आपको जो है ओवर द टाइम इम्प्रूव करना है, उसी से आप जो है लड़ पाएंगे या आप जो है रोक पाएंगे फायर इंसिडेंट्स को, ठीक है। देन हम अगली बात करें तो रेल डिज़ास्टर। देखो रेल भी जो है बहुत बहुत लोग मरते हैं रेल से, कुछ लोग तो खुद ही जाके वहाँ सामने खड़े जाते हैं, सुसाइड भी बहुत लोग करते हैं रेल में और बहुत ज़्यादा रेल एक्सीडेंट्स होते हैं ओवर द ईयर्स। एक सीरियस डिज़ास्टर बन चुका है ये ऑफ ग्रेव नेचर ओवर द ईयर्स एंड इट कैन बी ड्यू टू मैन मेड एंड नेचुरल कॉजेज बोथ। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा फैक्टर पाया गया वो ह्यूमन एरर पाया गया कि ह्यूमन एरर की वजह से सबसे ज़्यादा रेल एक्सीडेंट्स होते हैं। इनफैक्ट मोर देन 13,000 ट्रेन एक्सीडेंट्स अक्रॉस द कंट्री हैव किल्ड अराउंड 12,000 रेलवे पैसेंजर लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय NCRB। तो देखो 12,000 लोग तो रेलवे की वजह से मर गए, कुछ सामने आ जाते हैं, कोई आप लोगों की भी गलती, देखो रेलवे की हर जगह गलती नहीं है। अब बैरिकेड लगा हुआ है, कहीं आपने कितनी एन नंबर ऑफ वीडियोज देखी होंगे कि जो फाटक है वो नीचे गिर गया, लोग उसके नीचे से जा रहे हैं, तो सरकार भी क्या करे, है ना। अब फाटक गिर गया तो रुक जाओ, अब क्या करेंगे, फाटक को अब ऐसा बनाएंगे कि भैया उसके नीचे से भी लोग ना निकल सकें, अब ऐसा ही यही करा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, बट जो कॉजेज थे रेल एक्सीडेंट्स के वो ह्यूमन एरर सबसे ज़्यादा थे। इनफैक्ट RTI के अंडर एक इंफॉर्मेशन निकाली गई थी, वो ये बताती है कि 57% ऑफ मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स अक्रॉस इंडिया वर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ रेल स्टाफ एज पर द RTI। एंड जो 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ एक्सीडेंट्स थे रेलवे में, इट इज़ ड्यू टू डीरेलमेंट, लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स, मतलब वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फाटक नीचे गिरा हुआ है फिर भी लोग जा रहे हैं, कोलिजन, ट्रेन आपस में टकरा जाती थी, एंड फायर इन दी ट्रेन्स, ठीक है। और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इसको रोकने के लिए, एक तो हमने राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष बनाया, उसमें हमने बोला कि ठीक है अगर भाई पैसा डालो कहीं भी रिप्लेसमेंट रिन्यू अपग्रेडेशन की ज़रूरत है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में या सेफ्टी में, सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इनफैक्ट जो भी मंत्री आता है रेल मिनिस्टर आता है उसका सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो रेल सेफ्टी होती है, वो सबसे पहले सेफ्टी की बात करता है। इनफैक्ट लाल बहादुर शास्त्री को एक बार रेल एक्सीडेंट की वजह से जो है रिज़ाइन करना पड़ गया था पोस्ट से, जब वो PM नहीं थे रेल मंत्री थे, उन्होंने वो क्योंकि उनकी मानता थी एंड दैट वॉज द काइंड ऑफ पॉलिटिशियन वी हैड दैट टाइम एंड यू नो दैट वर द अकाउंटेबिलिटी दे हेल्ड टू देमसेल्व्स, तो ये बड़े लर्निंग भी था, बट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो कितना इंपॉर्टेंट है। देन ऑटोमेटिक फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगाएं कोचेज में। देन अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन टेस्टिंग से क्या होता है, उससे क्या होता है कि कोई अगर कहीं फ्लॉ है किसी ट्रेन में कहीं पे, तो उससे अल्ट्रासोनिक से आप इमेजिंग से उसकी पता लगा सकते हैं, तो आप उस फ्लॉ को दूर कर सकते हैं। और कोलिजन के लिए क्या होता है कि फॉग में बहुत ट्रेनों के एक्सीडेंट होता था, तो
दोनों में एक उसमें दोनों में डिवाइस लगाई गई जो सेटेलाइट से कनेक्टेड होती थी, और बाई चांस अगर दो आमने सामने एक ही पटरी पर ट्रेन है तो वो जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देती, तो उस टाइप के मैकेनिज्म जो है बनाए जाने चाहिए। त्राई नेत्रा थी रेलवे के लिए, ठीक है, तो वो सब मैकेनिज्म इन प्लेस हैं। अब जो है ओवर द टाइम रेलवे एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, बट ये जो है लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स जो है ये आपके हाथ में है, ये आपको रोकना है, इसमें रेलवे कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट डीरेलमेंट सबसे ज़्यादा थी, ये राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2003 से 2017 तक की बात करें तो डीरेलमेंट सबसे ज़्यादा थी, देन लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, देन देर वर 116 इंस्टेंसेज ऑफ कोलिजन एंड 81, तो फायर थोड़ा कम थी, एंड देर वर 49 मिसलेनियस। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखो अब क्या होता है, रेलवे जो है 16 और कलकत्ता मेट्रो से 17 और विशाखापट्टनम 18 जोन बन गए। 18 जोन के अंदर वेरियस डिविजन्स होती हैं। अगर आप इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस या इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, जो कि अब नहीं है, अब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बन गया, अगर उसमें जाते हैं तो आपको जो एक पर्टिकुलर जोन में एक पर्टिकुलर डिवीजन में अलॉट किया जाएगा, तो वो उसका क्लासिफिकेशन है ना, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो वेरियस जोन हैं उनके अंदर जो डिवीजन्स होती हैं उनके पास हर किसी के पास एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, जो हर बार रिवाइज होना चाहिए, हर प्रॉब्लम्स को जो शॉर्टकमिंग है उसको देखा जाना चाहिए, उससे एसेस करना किया जाना चाहिए, उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए, और तब जाकर उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। देन रेलवे शुड डेवलप कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, सिविल प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सब इन प्लेस होने चाहिए पहले से। मान लिया कहीं पर भी रेलवे एक्सीडेंट होना चाहिए तो पता होना चाहिए कि हाँ ये काम करना है और ये काम ये व्यक्ति करेगा। ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे क्योस पैदा होगा, नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि शिफ्टिंग द हेड नहीं चलता है, कभी भी डिजास्टर हो जाता है। तो कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, दैट शुड बी ऑलरेडी इन प्लेस। देन ऑल्सो रेलवे नीड टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफेक्टिव पोस्ट इंसिडेंस रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स। फिर ये तो रेलवे की बात थी, हम रोड पे आ जाते हैं। देखो रोड में भी बहुत सारी व्यक्तियों की मौत होती है, और हम में से कोई शायद ऐसा होगा कि किसी की मतलब किसी के जानने वाले का रोड एक्सीडेंट तो ना हुआ हो, मृत्यु ना भी हुई होगा तो रोड एक्सीडेंट ना हुआ हो, तो बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि प्री मैच्योर डेथ्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। आजकल कितने यंग लड़के मैं देखता हूँ जिनकी डेथ हो जाती है, बाइक ऐसे स्नेक की तरह चलाते हैं। मैं खुद जाता हूँ तो मुझे खुद डर लगता है कई बार रोड पे गाड़ी चलाने में, स्कूटी चलाने में, ठीक है। और लड़के तो जो है कोई कभी 90 डिग्री बैंड मार के जा रहा है, कोई क्या विली मार रहा है, कोई स्टॉपी मार रहा है, ठीक है, मारिए आप लोग, खाली रोड पे मारिए, डेडिकेटेड प्लेस ग्राउंड में चले जाइए, वहाँ करिए ये सब काम, रोड पे करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप अपनी लाइफ तो रिस्क पे लगा ही रहे हैं, आप दूसरे की लाइफ भी रिस्क पे लगा रहे हैं। इनफैक्ट रोड डिजास्टर इज़ अ ह्यूमन ट्रेजेडी, इट इन्वॉल्व्स हाई ह्यूमन सफरिंग। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग तो चले जाते हैं आप लोगों की जो गलती की वजह से, बट उसके कारण क्या होता है, पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो नियर एंड डियर्स हैं, वो पूरे ज़िंदगी भर सफ़र करते हैं। ठीक है, कभी कभार आपकी गलती नहीं होती, वो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें जो है ह्यूमन एरर है। ठीक है, गाड़ी में जो है नेचुरली बहुत कम है कि बाई चांस हवा तेज आई और किसी के ऊपर पेड़ गिर गया या लैंडस्लाइड हो गई, वो नेचुरल कॉज है, बट ज़्यादातर जो 90% ऑफ द टाइम जो होती है ह्यूमन एरर ही होता है। तो इट क्रिएट्स ह्यूमन सफरिंग, मॉनेटरी कॉस्ट है, ठीक है, प्री मैच्योर डेथ होती है, इंजरी आ जाती है, लाइफ टाइम इंजरी आ जाती है। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जिनके एक्सीडेंट के चलते पैर में रॉड्स जली हुई हैं, कहीं कहीं रॉड्स जली हुई हैं, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है वो हमेशा रहती है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ हिडन एपिडेमिक्स, ठीक है। इनफैक्ट दुख की बात ये है कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स अक्रॉस द 199 कंट्रीज एंड अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 11% ऑफ द एक्सीडेंट्स रिलेटेड डेथ्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। कॉज क्या है, वही ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, अवॉइडिंग सेफ्टी गियर्स लाइक सीट बेल्ट, हेलमेट्स नहीं पहनते हैं लोग, है ना, एंड देयर इज नॉन एडेरेंस टू लेन ड्राइविंग, ये तो किसी खैर किसी को पता ही नहीं है इंडिया में। ओवरटेकिंग इन अ रॉन्ग मैनर, है ना, राइट साइड से ओवरटेक करना होता है आप लेफ्ट साइड से घुस जाते हैं, कई बार तो मैं देखता हूँ कि मुझे दोनों साइड से लोग ओवरटेक कर रहे होते हैं, तो अब वो क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये, ठीक है। देन इफेक्ट क्या है इसका, सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट है। इनफैक्ट एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की स्टडी थी, उन्होंने बोला कि इट अफेक्ट 0.77% ऑफ द कंट्रीज GDP, देर इज अ लॉस ऑफ 0.77% ऑफ द GDP अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया, तो हमेशा जब भी रोड डिजास्टर है तो एक उसके लिए ब्रासिलिया डिक्लेरेशन है, हम उसके सिग्नेटरी भी हैं, एंड इट इज़ फॉर टू यू नो इट इंटेंड्स टू रिड्यूस दी रोड एक्सीडेंट एंड ट्रैफिक फैटलिटीज़ बाई 50% बाई 2022, तो 2022 तो आ गया, इसलिए अमेंडमेंट्स भी लाए हैं ओवर द एक्ट, ओवर द ईयर्स पेनल्टीज़ बढ़ाई गई हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट करके, ठीक है। एंड उस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को एक्चुअली और रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है,
इट शुड डील विद द इश्यूज रिलेटेड टू रोड डेथ्स, रोड एक्सीडेंट्स, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सेफ्टी मेजर्स, ये सब जो है इन प्लेस होने चाहिए और ये लीगल मैकेनिज्म है हमारे पास जो कि और रोबस्ट होना चाहिए। तो अगर हम बात करें रोड एक्सीडेंट की, तो लेवल वन पे हमें पहले तो एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सबसे पहले जो आदमी इफेक्ट हुआ है उसे फर्स्ट एड मिलनी चाहिए, उसकी जान बचाने पे प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब तो बात की बातें हैं। तो व्हाट हु शुड बी इन्फॉर्म, पुलिस, एम्बुलेंस, कम्युनिटी या हॉस्पिटल शुड बी इन्फॉर्म। देन लेवल टू पे आप एक्सीडेंट डाटा का कलेक्शन करें कि कैसे प्रॉब्लम हुई। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली अगर आप ऋषिकेश से कभी बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक मोड़ आता था, उस मोड़ पे बहुत सारी बसें गिरी। एक रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है आपका फरीदाबाद में, वहाँ से जब एक्सपर्ट्स है तो उन्होंने देखा कि जब एक्चुअली उस पहाड़ पे एक ऐसा बाहर को निकला, बाहर को जो है माउंटेन थोड़ा सा निकला हुआ था, उससे क्या होता था कि जब गाड़ी जा रही होती थी तो उसका व्यू ब्लॉक होता था, तो वो जो है थोड़ा सा टर्न लेती थी राइट में, और इधर से जो गाड़ी आती थी, क्योंकि राइट में गाड़ी एकदम सामने से आती थी तो, और इधर बार्केटिंग थी नहीं, इधर खाई थी, तो इधर जो गाड़ी जो ऊपर से आती थी वो सीधा खाई में गिरती थी। तो फिर इसको काटा गया, उसके बाद वहाँ कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये कब आया कि जब आप कलेक्ट कर सकते हैं डाटा, वहाँ उसके बाद कोई एक्सीडेंट नहीं हो, उससे पहले वहाँ बहुत लोग मरे। तो किससे कलेक्ट करेंगे आप, पुलिस से, आप हॉस्पिटल से पूछ सकते हैं, है ना, मोटर व्हीकल डिवीजन से पूछ सकते हैं, PWD से पूछ सकते हैं। फिर लेवल थ्री पे आप मैनेज और रिपोर्टिंग करें, ऑथराइज्ड डाटा, हॉस्पिटल डाटा, सिटीजन ऐप डाटा, उसको पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, पूरा अगर डाटा सेट आ गया उस डाटा को एनालाइज करें, और उस डाटा को एनालाइज करके अच्छी पॉलिसीज बनाएं ताकि और लोगों की जान बच सके। ठीक है, ये तो बात थी रोड एक्सीडेंट्स की। अब आ जाते हैं एयर एक्सीडेंट्स पे। बेसिकली चार टाइप के होते हैं एयर एक्सीडेंट। मिड एयर कोलिजन, आपस में जहाज टकरा गए, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे रोड पे हाईवेज हैं, ऊपर भी हाईवेज होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जहाज कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी एक्सप्रेसवेज और हाईवेज होती हैं। ठीक है, एविएशन में जो एविएशन गीक्स होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जहाज आमने सामने आ जाते हैं या पीछे से जहाज आ जाता है। कई बार देखा आपने, जहाज उड़ रहा होता है उसके नीचे जहाज उतर रहा होता है, तो मिड कई बार कोलिजन हो जाता है। तो मिड एयर कोलिजन, देन देयर इज फोर्स्ड लैंडिंग्स। फोर्स्ड लैंडिंग्स क्यों होती है, ड्यू टू टेक्निकल फेलियर या टेक्निकल इश्यू। जैसे स्पाइस जेट, अभी क्या हुआ कि स्पाइस जेट के दो विमान एक ही दिन इमरजेंसी लैंड कर गए। ठीक है, फिर DGCA ने उसका संज्ञान लिया और उसको जो है बोला कि अभी तुम जो है जरा इसका इन्वेस्टिगेशन करो। और दो आपने रनवे, अभी एक मूवी आई थी रनवे 32 या 42, अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो आपको एयर एक्सीडेंट्स के बारे में और समझ में आएगा। तो ऐसी मूवी आप लोग देख लिया करें, तो थोड़े घंटे की अच्छी मूवी है, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन है उसमें, तो आपको और समझ में आएगा कि एविएशन कैसे वर्क करता है। क्योंकि यार ओवर द टाइम जो है चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको अपनी नॉलेज एनहांस करनी पड़ेगी, अपनी स्पेशलिटी एनहांस करनी पड़ेगी। देन देर इज देर आर क्रैश ड्यू टू टेक्निकल स्नैक्स, है ना। देन देर इज एयर क्रैश इन माउंटेनियस टेरेन ड्यू टू प्योर पुअर विजिबिलिटी। जैसे एक MI हेलीकॉप्टर हमारा केदारनाथ जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो गिर गया था, एक्सीडेंट क्रैश हो गया था। इनफैक्ट जो हमारे फॉर्मर CDS थे लीड श्री विपिन रावत जी, उनका भी जो हेलीकॉप्टर था वो क्यों क्रैश हुआ, ड्यू टू दी पुअर विजिबिलिटी एंड टेरेन जो था थोड़ा सा हिली था और पुअर विजिबिलिटी थी। इनफैक्ट अगर आप हेलीकॉप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हेलीकॉप्टर्स तभी उड़ते हैं जब मौसम क्लियर होता है, क्योंकि वो ग्राउंड जो ग्राउंड या नदी जो होती है उनको फॉलो करते हैं, या जो ग्राउंड टोपोग्राफी होती है उसको फॉलो करते हैं। इफ द वेदर इज नॉट क्लियर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फ्लाई अ हेलीकॉप्टर, एंड दैट यू नो एट टाइम्स मे लीड टू एयर क्रैशेस। देन कॉजेज क्या हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं उसमें, जैसे ह्यूमन फेलियर ऑफ पायलट्स है। ठीक है, देन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो होते हैं वो सही बता नहीं पाते कि हाँ भाई, मान लिया ऑलरेडी रनवे पे दो विमान खड़े हुए हैं, आपने वहाँ तीसरा विमान उतार दिया तो वहाँ एक्सीडेंट होना ही होने, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पायलट्स को नहीं पता, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता है। देन देर इज टेक्निकल फेलियर्स होते हैं। इनफैक्ट अभी एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिगो जो है प्रॉपर चेक्स नहीं कर रहा, अभी DGCA ने बोला कि आप जो है डिप्लॉय करें अपने मेंटेनेंस इंजीनियर्स प्रॉपर, और प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए किसी भी एयरक्राफ्ट की, क्योंकि फाउंड आउट क्या हो गया कि देर वॉज लैप्सेज इन दी प्लेन सेफ्टी। देन लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स वर्क नहीं करते हैं कई बार। ठीक है, अब तो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं ऑटो पायलट, अभी आपने कई बार देखा होगा कि कई जगह नाइट लैंडिंग अलाउड नहीं होती है, नाइट लैंडिंग नहीं कर सकते कुछ सारे प्लेन्स। तो ये क्या है कि ये इम्प्रूव किए जा सकते हैं ओवर द टाइम, क्योंकि उसके लिए पैसा लगता है और पैसा आपको देना पड़ेगा। देन हु मैनेजेस इन इंडिया, तो एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। तो ये एयर इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन, इंसिडेंट, ये सब जो है DGCA देखता है। ठीक है, एट टाइम्स आपने सुना भी होगा। देन लैंड डिग्रेडेशन, जब हमारे पास लैंड इन रहेंगी तो हम उगाएंगे किस पे, तो लैंड डिग्रेडेशन जो है एक डिजास्टर बन चुका है आपके टाइम पे, क्योंकि इसरो की एक रिपोर्ट आई थी
जिसको डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें उन्होंने बोला कि 29% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया दैट इज 96.4 मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडिया इज अंडरगोइंग डिग्रेडेशन। तो अगर आपके पास इंडिया का लगभग वन थर्ड जो लैंड है वो डिग्रेडेशन के अंडर है, मतलब वो डिग्रेड हो रहा है, और क्योंकि अगर डिग्रेड होगा तो हमारे पास हम किस पे अपने लिए खाना उगाएंगे और किस पे खेती करेंगे और क्या क्या करेंगे, जिससे कि हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम में आ सकती है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकता है। अगर हमारे पास सिर्फ डेजर्ट्स ही रह जाएंगे तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस अपने आप में खतरे में आ जाएगा। देन मोस्ट ऑफ दी डिग्रेडेशन जो है वो कुछ स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है, मतलब है तो हर लैंड डिग्रेडेशन ऑलमोस्ट हर स्टेट में है, बट ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर में। इनफैक्ट 69% ऑफ द एरिया ऑफ इन इंडिया फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्राई लैंड, मतलब वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। नाउ व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ दिस सिचुएशन इन इंडिया? पहले सबसे पहले तो है सॉइल इरोजन। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है वो वाटर इरोजन से होता है, ठीक है, तो सॉइल इरोजन हो रहा है, जो सॉइल वाटर इरोजन इरोजन को लीड करता है, जो सरफेस रन ऑफ है वाटर का वो बहुत ज़्यादा है, फर्टिलिटी घट रही है, देन पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ना, क्रॉप रोटेशन नहीं है, ज़्यादा प्रेशर है कम लैंड पे, ज़्यादा प्रेशर उगाने का, फर्टिलाइजर का यूज़ है, देन कभी कभार पानी जो कोस्टल एरियाज में जो है कोस्टल वाटर जो अंदर आता है वो स्टैग्नेंट रह जाता है, जिससे सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल की प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट अगर आप ग्राउंड वाटर ज़्यादा पंप कर देंगे तो भी सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल की प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में जो है इतना ग्राउंड वाटर हम लोगों ने पंप कर दिया कि देर इज हाई सेल द सॉइल्स आर हैव बिकम वेरी सेलाइन एंड जो अगर आप टाइप की ऑफ सॉइल्स की बात करें, उजारा उपारा आपने पढ़ा होगा, तो जो है नॉन कल्टीवेबल सॉइल बनती जा रही है, वो अब सेलाइन सॉइल्स में आप कुछ उगा नहीं सकते हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनफैक्ट सेलिनिटी ड्यू टू वाटर लॉगिंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 1.12% ऑफ टोटल लैंड डिग्रेडेशन। देन वेजिटेशन डिग्रेडेशन है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन है बाय एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स, बाय मैनमेड फैक्टर्स, ठीक है। फिर हमारे मैनमेड फैक्टर्स हैं कि हम जो इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स हैं वो बहा देते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट को डंप कर देते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ है, रैपिड कंस्ट्रक्शन है, इस सबसे क्या होता है, इस सबसे जो लैंड की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, इट लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। इनफैक्ट लैंड डिग्रेडेशन इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वाटर इरोजन से आता है, इरोजन से होता है 11%, फॉलोड बाय वेजिटेशन डिग्रेडेशन 9% एंड विंड इरोजन 5.5%। तो लैंड डिग्रेडेशन जो है अलग अलग वेज से डिग्रेड होता है और उसमें सबसे ज़्यादा वाटर इरोजन से होता है, तो इन सबको चेक्स में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है, सबसे ऑब्वियस सी बात है लैंड का तो हर किसी पर इम्पैक्ट है, तो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, आपके पास खाने नहीं रहेगा और आपकी इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। भाई एक फार्मर था, मैं फार्मर हूँ, मेरे पास 10 बीघे ज़मीन है, मैं उस पर खेती करता था, अब वो पूरी ज़मीन सेलाइन हो गई, मेरा क्या होगा, मेरे तो रोज़गार चला गया, मेरे को इकोनॉमिक लॉस हो गया, मेरे को जो है, और इवेंचुअली वो मेरे हेल्थ पे फ़र्क डालेगा जो कि एक सोशल इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। तो लैंड प्रोडक्टिविटी घट रही है, लैंड जो एबिलिटी है एब्जॉर्व करने की पानी वो घटेगी, तो लैंड डिग्रेडेशन होगा तो इट विल अफेक्ट एडवर्सली अफेक्ट अस सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली। देन हमारी ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, ये देखा गया है कि जैसे जैसे लैंड डिग्रेडेशन हुआ है जूनोटिक डिजीज़ बढ़ते जा रहे हैं। जूनोटिक डिजीज़ मतलब कि क्योंकि हम कंजम्पशन बढ़ जाएगा, जब हमारे पास ग्रास खाने के लिए कम होगा तो हम ज़्यादा जो है एनिमल्स की तरफ भागेंगे, तो जूनोटिक डिजीज़ बढ़ जाएंगे। जूनोटिक डिजीज़ मतलब वो डिजीज़ जो एनिमल्स से आदमी में आ सकते हैं या फिर आदमी से एनिमल्स में जा सकते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो ये क्या है, स्वाइन फ्लू क्या टाइप का जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है। देन ये देखा गया कि फूड वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज़ बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करता है, इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है इसको लैंड डिग्रेडेशन को, और मतलब कॉजन वो है, और लैंड डिग्रेडेशन फिर क्लाइमेट चेंज को मतलब अफेक्ट कर देता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है आपका बहुत ज़्यादा, देन देर इज डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। अब कुछ हमने स्टेप्स तो लिए ही हैं, फिर सबसे पहले तो हम एक प्लान बना लेते हैं। तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्लान है कि भाई हमें जो है कॉम्बैट करना है डेजर्टिफिकेशन को, 2001 में लॉन्च किया था, 20 साल में लॉन्च किया था, 2021 में इसके 20 साल हो गए, पता नहीं कहाँ गया ये, ठीक है। इनफैक्ट एक UNCCD सुना होगा आपने, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। जब
आपका जो रियो समिट हुई थी उसमें जब तीन कन्वेंशन जो थे, UNCBD, UNFCCC, तो उसमें UNCCD भी था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इतना इंपॉर्टेंट है लैंड डिग्रेडेशन की एक पूरा कन्वेंशन है उस पर, ठीक है। फिर एक बॉर्न चैलेंज हमने बनाया है, उसमें क्या बोला, बॉर्न चैलेंज में क्या है कि आपको जो है 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द वर्ल्ड लैंड को आपको रिस्टोर करना है 2020 तक, एंड 350 मिलियन हेक्टेयर को करना है 2030 तक। हम भी बॉर्न चैलेंज का पार्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमने मिशन मोड अप्रोच अपना रखी है आजकल, ठीक है। मैपिंग ऑफ इशू कर सकते हैं आपकी कौन कौन सी लैंड कितनी रेट से डिग्रेड हो रही है, उसमें आपको इसरो हेल्प करता है। इसरो जो है अपने GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम्स को यूज़ करके, जो हमारे सेटेलाइट है कार्टोग्राफिक डाटा को पढ़ के, जो है जो हमारे रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से जो डाटा आता है उससे वो बता सकते हैं आपको कि भाई कहाँ कहाँ लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, कितनी रेट से बढ़ रहा है, कितनी प्रॉब्लम है। देन वी हैव अ नेशनल स्ट्रेटजी ऑन लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी। देखो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी जिसको LDN भी बोलते हैं, LDN क्या होता है कि भाई अब जो लैंड है वो इतनी सस्टेनेबल है कि वो सारे इकोसिस्टम्स को जो है उनको सपोर्ट कर सकती है फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये एक टाइप की सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी हम अचीव करने के, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बट अब जो है हम इतना अपना इको इतना लैंड रखेंगे इतना अच्छा कि वो सारे इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सके इन अ वेरी सस्टेनेबल मैनर। देन एक हमारे पास SLEM प्रोग्राम है, स्लैम प्रोग्राम है, इसको सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी दोनों मिलकर जो है प्रमोट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। फिर हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च कर रखे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, नेशनल ग्रीन मिशन है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है ये प्रोग्राम जो हैं ये सब जो हैं इसीलिए हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसे कम किया जा सके, देर सो दैट वी कैन कीप अ चेक ऑन लैंड डिग्रेडेशन एंड लेट दी ह्यूमन सर्वाइव। क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी के क्वेश्चन करता है, उसके लिए हमें लैंड चाहिए। तो हमारे लैंड नहीं होगी तो हम फूड नहीं उगा पाएंगे और वो अल्टीमेटली हमारे सर्वाइवल को इफेक्ट करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लैंड डिग्रेडेशन को चेक करें, और इसीलिए एट टाइम्स लैंड डिग्रेडेशन एक टाइप का डिजास्टर बन चुका है। तो दैट वॉज ऑल इन दिस लेक्चर, एंड वी शैल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अल्फा एस अकेडमी। बाय बाय।